नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ओलंपिक की उपलब्धियों को गति देने के लिए दूरदराज के गांव सहित देश के प्रत्येक भाग में खेल स्पर्धाएं आयोजित की जानी चाहिए। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने परिवर्तनकारी और कुछ नया करने की उत्सुकता के लिए देश के युवाओं की सराहना की। श्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने देश की समृद्ध विरासत के संरक्षण और उसे नई पीढ़ी को सौंपने के सामूहिक कर्तव्य का उल्लेख करते हुए संस्कृत के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। लोगों से कोविड टीके लगवाने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद दिलाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने लोगों से रोजाना आधा घंटा फिटनेस को देने का आह्वान किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। देश में अब तक 63,09,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। पैरालंपिक रजत पदक विजेता भाविना पटेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कड़ी मेहनत और समर्पण को अपनी सफलता का श्रेय दिया। और लीड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच में भारत को हराया। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से खेलों को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न ओलंपिक के माध्यम से देश में खेलों को जो गति मिली है उसे हर स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ओलंपिक ने बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के खेल पूरे हुए, अभी पैरालंपिक चल रहा है। देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ विश्व की तुलना में भले कम होगा लेकिन विश्वास भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा ऐसा नहीं है लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं की भी और देख रहा है। उसके पूरे इकोसिस्टम को बहुत बारीकी से देख रहा है, उसके सामर्थ्य को वो समझ रहा है और किसी न किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है। अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन को अपना रहा है। अब देश में खेल खेलकूद स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि गांवों और देश के अन्य भागों में खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, इससे खेलों का विकास होता है। गांव और शहरों में खेल के मैदान की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही भारत खेलों में नई बुलंदियों को छुएगा। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि ये मेजर ध्यानचंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था।
और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूँ यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की सोच में बदलाव आ चुका है और आज का युवा पुराने तौर तरीकों को छोड़कर कुछ नया करना चाहता है। अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के सरकार के हाल के कदम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत युवा इस दिशा में तेजी से आगे आ रहे हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में अंतरिक्ष से जुड़े स्टार्टअप अधिक संख्या में आएंगे और भारतीय युवा बड़ी संख्या में उपग्रह विकसित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्टार्टअप संस्कृति का प्रसार हो रहा है। आज जहां भी देखो, किसी भी परिवार में जाओ, कितना ही संपन्न परिवार हो, पढ़े लिखे परिवार हो, लेकिन अगर परिवार में नौजवान से बात करो तो वो क्या कहता है? वो अपने पारिवारिक जो परंपराओं से हटकर के कहता है, मैं तो स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप में चला जाऊंगा, यानी रिस्क लेने के लिए उसका मन उछल रहा है। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश में खिलौनों की चर्चा हो रही थी, देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में विषय आया, उन्होंने भी मन में ठान लिया कि दुनिया में भारत के खिलौनों की पहचान कैसे बने और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। कल मनाए जाने वाले जन्माष्टमी पर्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने हाल के अनुभव का जिक्र किया। इस्कॉन से संबंधित जदुरानी दासी से मुलाकात के संस्मरण भी उन्होंने साझा किए। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों रूप, अनेकों भव्य तस्वीरें थी, बड़ी मोहक तस्वीरें थी और बड़ी मीनिंगफुल तस्वीरें थी। मैंने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया तो मेरी जिज्ञासा जरा और बढ़ गई। जब मैंने इस किताब और इन सारे चित्रों को देखा और उस पर मेरे लिए एक संदेश लिखा, तो वो जब पढ़ा तो मेरा मन कर गया कि उनसे मैं मिलूं। तो मेरी ऑफिस ने उनका संपर्क किया, दूसरे ही दिन उनको मिलने के लिए बुलाया और मेरी जिज्ञासा इतनी थी आर्ट बुक को देख करके, इसी जिज्ञासा में मेरी मुलाकात हुई जदुरानी दासी जी से। वे अमेरिकन हैं, जन्म अमेरिका में हुआ, लालन पालन अमेरिका में हुआ। जदुरानी दासी जी इस्कॉन से जुड़ी है। श्री मोदी ने तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की काजीरंगाल पंचायत का उदाहरण दिया, जिसने गांव के कचरे से ही बिजली बनाने की परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु में शिवगंगा जिले की काजीरंगाल पंचायत, यहाँ ग्राम पंचायत ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कचरे से बिजली बनाने का एक लोकल प्रोजेक्ट अपने गांव में लगा दिया है। पूरे गांव से कचरा इकट्ठा होता है, उससे बिजली बनती है और बचे हुए प्रोडक्ट्स को कीटनाशक के रूप में बेच भी दिया जाता है। गांव के इस पावर प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 टन कचरे के निस्तारण की है। इससे बनने वाली बिजली गांव की स्ट्रीट लाइट और दूसरी जरूरतों में उपयोग हो रही है। इससे पंचायत का पैसा तो बच ही रहा है, वो पैसा दूसरे विकास के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अपनी विरासत को संजोना, संभालना और भावी पीढ़ियों तक इसे पहुंचाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। आगामी विश्वकर्मा जयंती के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को विश्व की सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। संसार में जो कुछ भी डेवलपमेंट और इनोवेशन होता है वो स्किल्स के जरिए ही होता है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती और उनकी पूजा के पीछे यही भाव है और हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है, विश्वम कृतस्नम कर्म व्यापारो यस्य सह विश्वकर्मा, अर्थात जो सृष्टि और निर्माण से जुड़े सभी कर्म करता है वह विश्वकर्मा है। हमारे शास्त्रों की नजर में हमारे आसपास निर्माण और सृजन में जुटे जितने भी स्किल हुनरमंद लोग हैं वो भगवान विश्वकर्मा की विरासत है। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने लोगों से कोविड टीके लगवाने का आग्रह करते हुए दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद दिलाया। उन्होंने कहा कि देश में टीकाकरण तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए। तमिलनाडु में शिवगंगा जिले के
कांजीरंगल पंचायत द्वारा कचरे से पैसा कमाने के सामुदायिक प्रयास का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने से वहां के लोग काफी उत्साहित हैं। पंचायत के प्रधान KSM मारीमुत्तु ने बताया कि देश के दूर दराज जिले के एक पंचायत के काम की सराहना स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने से वे आश्चर्यचकित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि रामायण में भारतीय परंपरा के मूल्यों और संस्कृति का समावेश है और ये विश्व के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। वे अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस संदर्भ में रामचरितमानस की एक अत्यंत लोकप्रिय चौपाई का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है कि सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस पंक्ति का भाव यह है कि हम पूरे संसार को ईश्वर में जानकर सभी को सादर स्वीकार करें। हम सब प्रत्येक व्यक्ति में सीता और राम को ही देखें। राम सबके हैं और राम सब में है। आइए हम सब स्नेहपूर्ण विचार के साथ अपने दायित्व का पालन करें। मेरी शुभकामना है कि रामायण के प्रचार प्रसार से जुड़े आप सबके सभी प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति ने रामायण सम्मेलन का उद्घाटन करने के साथ साथ अयोध्या में पर्यटन से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। खूबसूरत अंदाज में सजे अयोध्या रेलवे स्टेशन पर विशेष रेलगाड़ी के पहुंचने के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या की यात्रा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति ने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया, जो आज से शुरू होकर 1 नवंबर तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। रामायण कॉन्क्लेव विभिन्न तिथियों पर अलग अलग चरणों में अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, ललितपुर, श्रृंगवेरपुर, बिठूर, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, सहारनपुर और लखनऊ में आयोजित होगी। रामायण कॉन्क्लेव में प्रातःकालीन सत्र में विशिष्ट कथावाचकों तथा रामायण के विद्वानों द्वारा रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर सार गर्भित व्याख्यान और विचार विमर्श होंगे। सायंकालीन सत्र में रामायण और रामकथा से संबंधित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां संपन्न होंगी। रामलीला और लोक बोलियों के कवि सम्मेलनों के माध्यम से रामकथा के विभिन्न संदर्भों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ मनाने और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि यह आम स्मार्टफोन पर भी काम करेगा। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि यह मोबाइल एप्लीकेशन फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा। जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा युवा है। युवा को अगर राष्ट्र निर्माण में लगाना है तो फिट युवा ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। जहां एक और पोषण अभियान उसके लिए शुरू किया है, वहीं पर युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के द्वारा ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ही फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च आज की जा रही है। आप चलते फिरते भी कभी ये ध्यान नहीं देते होंगे कि आपने कितनी फिटनेस अपनी की, क्योंकि आप उसको मॉनिटर नहीं करते। इसके माध्यम से आप मॉनिटर कर पाओगे कि आप प्रतिदिन कितने स्टेप्स चले हो, कितनी एक्सरसाइज की है। आप अपना फिटनेस टेस्ट भी इस पर कर सकते हो। श्री ठाकुर ने लोगों से फिटनेस के लिए हर रोज आधा घंटा देने का आग्रह किया। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ानों के स्थगन की अवधि बढ़ा दी है। नागर विमानन मंत्रालय के उड्डयन नियामक महानिदेशालय ने बताया कि निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 30 सितंबर तक स्थगित रहेंगे। हालांकि चुनिंदा मार्गों पर अलग अलग आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। भारत ने कोविड महामारी के कारण पिछले साल 23 मार्च से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें स्थगित हैं।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ओलंपिक की उपलब्धियों को गति देने के लिए दूर दराज के गांव सहित देश के प्रत्येक भाग में खेल स्पर्धाएं आयोजित की जानी चाहिए। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने परिवर्तनकारी और कुछ नया करने की उत्सुकता के लिए देश के युवाओं की सराहना की। श्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने देश की समृद्ध विरासत के संरक्षण और उसे नई पीढ़ी को सौंपने के सामूहिक कर्तव्य का उल्लेख करते हुए संस्कृत के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। लोगों से कोविड टीके लगवाने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद दिलाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने लोगों से रोजाना आधा घंटा फिटनेस को देने का आह्वान किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। देश में अब तक 63,09,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। पैरालंपिक रजत पदक विजेता भाविना पटेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कड़ी मेहनत और समर्पण को अपनी सफलता का श्रेय दिया और लीड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच में भारत को हराया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 63,09,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 73,80,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.53% हो गई है। इस दौरान 35,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं और 45,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और समर्पण को दिया है। टोक्यो से आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने लगातार सहायता के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण भारतीय पैरालंपिक कमेटी का धन्यवाद किया। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सारे देशवासियों ने मेरे लिए बहुत सारी प्रे की है और उनके प्रे और आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप गेम इम्प्रूव करने के लिए अपना हार्डवर्क पूरी शिद्दत से कीजिए। अगर आप कोई गोल बना रहे हो तो उनके आपको अपना पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा और सभी तरह के आप एक अच्छे लेवल पर जा सकते हो और अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर सकते हो। और अब टोक्यो पैरालंपिक की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना। टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस में भाविना बेन हसमुफाई पटेल ने रजत पदक हासिल कर इतिहास रच दिया है। वेलकम टू द बिगेस्ट स्टेज स्माइल्स इंडीड इंडियाज भाविना पटेल एन आउटस्टैंडिंग डेब्यू अपीयरेंस एट द पैरालंपिक गेम्स। उन्होंने आज खेल दिवस के मौके पर ये पदक जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भाविना पटेल पैरालंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। महिला सिंगल्स क्लास 4 के फाइनल में भाविना बेन को दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी चीन की येंग झोउ से 3-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तीरंदाजी में मिक्स्ड टीम कंपाउंड में ज्योति और राकेश कुमार की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने थाईलैंड के होम जनथुक और ऑंग फिनान की जोड़ी को शिकस्त दी। महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड मुकाबले में ज्योति को आयरलैंड की लियोनार्ड कैरी से हार का सामना करना पड़ा था। एथलेटिक्स में आज पुरुषों की चक्का फेंक प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में विनोद कुमार अपनी चुनौती पेश करेंगे। ऊंची कूद स्पर्धा में निषाद कुमार और रामपाल अपना दमखम दिखाएंगे। लीड्स में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 1 पारी और 76 रन से हरा दिया है। मैच के चौथे दिन कल भारतीय टीम 2 विकेट पर 215 रन से आगे खेलते हुए केवल 278 रन पर सिमट गई। चेतेश्वर पुजारा ने सर्वाधिक 91 रन बनाए। श्रृंखला का चौथा मैच 2 सितंबर से ओवल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जाने माने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। 28 खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में खेल पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार पाने वालों में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर भी शामिल हैं। उन्हें विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय 23 से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर विद AIR न्यूज। बर्थ ऑफ अ नेशन। इंडियाज ग्लोरियस फ्रीडम स्ट्रगल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रगल्स द मॉडर्न वर्ल्ड हैज एवर विटनेस्ड। AIR न्यूज ब्रिंग्स यू अ ग्लिम्प्स। आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के एक हिस्से के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय 23 से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह मना रहा है। इस सिलसिले में आज आकाशवाणी पर हिंदी और अंग्रेजी में आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों या कला या संस्कृति पर पुस्तकों की समीक्षा इम्प्रिंट का प्रसारण शाम 4:45 पर परिक्रमा में होगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया जा रहा है। दूरदर्शन पर कल सुबह आजादी का सफर और सागा ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर विशेष कार्यक्रम का भी प्रसारण होगा। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संग्रामों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि है। इस विलक्षण प्रतिभा ने ओजपूर्ण रचनाओं के जरिए अंग्रेजों से मोर्चा लिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ नजरुल का विरोध उस समय शुरू हुआ जब वे प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के कराची स्थित 49वें ऑल बंगाली रेजिमेंट में थे। कराची में ही वे बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव में आए। युद्ध के बाद नजरुल अपने गृह राज्य बंगाल लौट गए, ये संकल्प लेकर कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखेंगे और लोगों को एकजुट करेंगे। कुछ वर्षों में ही वे असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए। भारत की निर्धनता और पीड़ा उनकी कला चेतना और काव्य कृतियों का आधार बन गई। इस काल की नजरुल की लोकप्रिय कविताओं का संग्रह अग्नि वीणा की रचनाएं उनकी नव जागृत राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत हैं। अग्नि वीणा की एक कविता है विद्रोही। शीर हरियामारी नौ तो शीरोई शिखर हिमात्री बल वीर बल महाविश्वर महाकाश फड़ी चंद्र सूर्य ग्रह तारा छाड़ी भूलोक दुलोक गोलोक भेदिया खोदार आसन पारस छेदिया उठी आज चिर विस्मय आमी विश्व विधाता। इसी प्रकार खिलाफत आंदोलन ने उन्हें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अहमियत और आवश्यकता से रूबरू कराया जो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर उभरा था। नवंबर 1922 में काजी नजरुल इस्लाम को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह के आरोप पर सुनवाई के दौरान नजरुल ने अदालत में अपना पक्ष खुद रखते हुए सरकार को चौंका दिया। नजरुल इस्लाम ने आकाशवाणी कलकत्ता के लिए काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और अनेक गीत लिखे।
नजरुल गीति उनके बंगला गीतों की विधा है। काजी नजरुल इस्लाम ने 29 अगस्त 1976 में ढाका में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उन्हें ढाका विश्वविद्यालय में मस्जिद के बगल में दफनाया गया। आज ही मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी हायप्पू जादोनांग की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने बड़ी वीरता से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। एक आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आजादी की ललक और तलाश ने उन्हें सीधे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष से जोड़ा। जादूनांग अंग्रेजी शासन तथा अन्याय, मजदूरों के शोषण और कर थोपे जाने के कारण आ रहे बदलावों के प्रबल विरोधी थे। नगा राज्य की स्थापना के लिए उनका आंदोलन उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र मणिपुर और नगा हिल्स तक फैल गया। उन्होंने लोगों और अनेक नगा जनजातियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश प्रशासन को कर न देने की अपील की। जादोनांग पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। उन्होंने महात्मा गांधी के सम्मान में एक गीत की रचना की। जादोनांग को 29 अगस्त 1931 को इम्फाल में नाम्बुल नदी के किनारे फांसी दी गई। उनकी चचेरी बहन और विख्यात स्वतंत्रता सेनानी रानी गेदिन लियू ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए 14 वर्ष जेल में काटे। इस माटी का महान सपूत आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन अन्याय और शोषण के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ उनका संघर्ष हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और एक नजर आज के मौसम पर। देश के ज्यादातर हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कहीं हल्की तो कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 25 जबकि अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेह में तापमान 10 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ओलंपिक की उपलब्धियों को गति देने के लिए दूर दराज के गांव सहित देश के प्रत्येक भाग में खेल स्पर्धाएं आयोजित की जानी चाहिए। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने परिवर्तनकारी और कुछ नया करने की उत्सुकता के लिए देश के युवाओं की सराहना की। श्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने देश के समृद्ध विरासत के संरक्षण और उसे नई पीढ़ी को सौंपने के सामूहिक कर्तव्य का उल्लेख करते हुए संस्कृत के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। लोगों से कोविड टीके लगवाने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद दिलाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने लोगों से रोजाना आधा घंटा फिटनेस को देने का आह्वान किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। देश में अब तक 63.9 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई।
पैरालंपिक रजत पदक विजेता भाविना पटेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कड़ी मेहनत और समर्पण को अपना सफलता का श्रेय दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।